हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री मीन्स जो अभी आप कंप्यूटर देख रहे हैं उससे पहले कंप्यूटर्स कैसे थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर्स हैव बिकम एसेंशियल फीचर ऑफ आवर लाइफ दीज डेज। कंप्यूटर आजकल हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है आजकल की डेट में। बट अराउंड फ्यू डिकेड्स अगो दे डिड नॉट एग्जिस्ट। कुछ सालों पहले अगर देखा जाए तो कंप्यूटर थे ही नहीं दुनिया में। दे मेड अ ग्रेजुअल अपेयरेंस थ्रू द लेटर हाफ ऑफ 20th century। जो 20वीं सदी थी, जो 20th century थी, उसके 50 साल के बाद कंप्यूटर्स अच्छे से बनना चालू हुए। इन दिस चैप्टर वी वुड स्टडी फ्यू ग्रेट इवेंट्स दैट मार्क द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कुछ लोगों ने कंप्यूटर में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, वो कौन कौन लोग हैं और कौन सी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट इसका जो टॉपिक आ रहा है वो है द माइटी जीरो। माइटी का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। अंडरस्टैंड दैट कंप्यूटर्स लैंग्वेज मोर कॉमनली नोन एज द मशीन लैंग्वेज डील्स विथ ज़ीरोस एंड वंस। आपको फोर्थ स्टैंडर्ड में भी मैंने पढ़ाया था कि कंप्यूटर जो है, सेकंड चैप्टर था हमारा, जीरो और वन में ही समझता है। वो कोई और ह्यूमन लैंग्वेज समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। द कंसेप्ट ऑफ जीरो वॉज डेवलप्ड इन एशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। जीरो जो है वो हमारे इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था बहुत सालों पहले, बहुत हजारों सालों पहले। इंडियन मैथमेटिशियन रोट नंबर्स इन कॉलम्स एंड दे यूज जीरो टू रिप्रेजेंट ए ब्लैंक कॉलम। जो भारत के जो मैथमेटिशियन थे, इंडिया के मैथमेटिशियन से, वो जीरो को किस में यूज़ करते थे? किसी कॉलम को ब्लैंक हो तो उसको जीरो डाल देते थे, इस तरह से यूज़ करते थे। आया समझ में? तो ये इस तरह से होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम देयर मैन बिगन जर्नी टूवर्ड्स नॉलेज ऑफ मैथमेटिशियन। इस तरह इंसान ने ये मैथ्स में, मैथ्स कैसे आगे बढ़ेगा वो आगे चला है। क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादातर हम मैथ्स के प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जो दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर ना बोलें, कोई काउंटिंग मशीन था जिसको हम आबाकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आबाकस। आबाकस ऑल्सो कॉल्ड ए काउंटिंग फ्रेम। काउंटिंग फ्रेम था एक, उसमें मोती लगे रहते थे। वॉज द फर्स्ट डिवाइस डेवलप ड्यूरिंग 3000 BC। ये 3000 साल पहले, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये इन्वेंट हुआ था। एडेड मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें क्या करता था? हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते थे। आया समझ में? देन इट कंसिस्ट ऑफ टैबलेट ऑफ और फ्रेम बेरिंग पैरेलल वायर्स ऑन विच काउंटर्स एंड बीट्स आर मूव्ड। एक फ्रेम था, उसमें वायरें लगी हुई थी और यहाँ आप देख सकते हैं बाजू में जो पिक दिया हुआ है, तो उसमें क्या, वो मोती इधर उधर करके वो मैथ्स के कैलकुलेशन करते थे। मैनी अर्ली सिविलाइजेशन यूज्ड आबाकस। बहुत सालों पहले, 3000 साल पहले जो है ये आबाकस यूज़ होता था। और इट इज़ स्टिल वाइडली यूज्ड इन चाइना एंड जापान। आज तक भी ये जो है इंडिया और चाइना में यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि कोई स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करना, 1, 2, 3, 4, जैसे अपने प्रोग्राम्स एनुअल डे चलते हैं। द फर्स्ट एल्गोरिदम वॉज डेवलप इन 12th century इन ताशकेंट बाय मोहम्मद इब्न मूसा अल कोवा रिजनी। तो इन्होंने ये जो है एल्गोरिदम स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिदम्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर फॉलोड टू प्रोड्यूस ए प्रोग्राम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब एल्गोरिदम क्या होता है? किसी काम को करने की तरीका, स्टेप बाय स्टेप। मतलब जैसे चाय बनानी होती है मम्मी को, तो पहले तपेली लेगी, फिर पानी डालेगी, फिर दूध, चीनी, चाय की पत्ती। तो ये सारा क्या है? एक एल्गोरिदम है। आया समझ में? जो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है बूलियन एल्जेब्रा। इट वॉज डेवलप बाय जॉर्ज बूले। इनके नाम से ही था, एल्जेब्रा जो है मैथ से रिलेटेड है। इन द ईयर 1854, ये कब स्टार्ट किया इन्होंने बूलियन एल्जेब्रा? 1854। इट हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन
फिज़िकल साइंस, फिज़िकल साइंस जो है उसमें बहुत सारा जो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जितनी भी ऐसी चीज़ें फिज़िकल साइंसेस की, उसमें उन्होंने डेवलप किया। बूलियन अलजेब्रा इज़ कंसीडर एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये बूलियन अलजेब्रा ही जो थी वो जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर है जो अभी लैब में पढ़े हैं उसकी वो स्टार्ट था, वहाँ से फाउंडेशन था। आया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है जैकट लूम्स। अब ये जैकट लूम कौन थे वो देख लेते हैं। दिस वॉज स्पेशल प्रोग्रामेबल वीविंग लूम दैट वॉज डेवलप बाय फ्रेंच मिल ओनर जोसेफ मैरिन जैकट। ये जो यहाँ पे आपको ये सर्कल में जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं ना, यही जैकट लूम है। वो क्या है, फ्रेंच मिल में काम करते थे। क्या काम करते थे? कपड़ा बनाने का काम करते थे। ही यूज्ड कार्ड विथ होल्स टू प्रोड्यूस वीविंग डिज़ाइन विच ब्रॉट ए रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ वीविंग एज वेल एज कंप्यूटिंग। उन्होंने क्या किया था, कुछ कार्ड में होल डाल के, जैसे अभी अपन नई रंगोली बनाते हैं होल होल करके, तो ऐसा एक कार्ड वीविंग डिज़ाइन बनाया था जो दुनिया में जो कंप्यूटिंग वीविंग में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन मतलब बहुत बड़ा एग्जाम्पल था उसका। आगे बढ़ते हैं। जैकट लूम ऑटोमेटेड द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब जैकट लूम ने क्या किया, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है नेम जो सबसे ज़्यादा फेमस है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जो यहाँ पे आपको फोटो जो दिख रहा है यहाँ पे ऑरेंज सर्कल में, वो है चार्ल्स बेबेज, जो इनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। बेबेज फर्स्ट डेवलप डिफरेंस इंजन इन 1822। ये इन बेबेज ने क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन बनाया था, कौन से ईयर में, 1822 में, विच डिड कैलकुलेशन एंड वॉज ऑल्सो यूज टू नेविगेट शिप्स। ये क्या करने में, डिफरेंस इंजन क्या काम करने में यूज़ होता था, एक तो कैलकुलेशंस और दूसरा क्या है, शिप्स को नेविगेट करने में, शिप को चलाने में काम करता था। अराउंड 1832 बेबेज डेवलप अनदर मशीन कॉल्ड एनालिटिकल इंजन दैट वॉज कैपेबल टू स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड यूज पंच कार्ड्स एज फॉर्म ऑफ परमानेंट मेमरी। अब 1832 में बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई, एनालिटिकल इंजन बनाई, और ये मशीन जो है इंस्ट्रक्शन स्टोर करने में, मैथ्स के ऑपरेशन या मैथ्स के सम सॉल्व करने में, और पंच कार्ड जो होल वाला जैकट लूम ने बनाया था, ऐसे कार्ड्स जो है वो बनाने में काम आता था। और इससे इसमें क्या दूसरा एक और फीचर जुड़ गया था कि इसमें मेमोरी डाल दी थी उसने, तो मेमोरी इससे क्या होता था, हम डेटा इंस्ट्रक्शन जो भी कैलकुलेशन है वो स्टोर यानी सेव करके रख सकते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना, बाकी का पार्ट आगे के वीडियो में देखेंगे।